अभी लास्ट वीकेंड की बात है, मैं एक मूवी देख रहा था। उस मूवी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मेन हीरो आया, मेन हीरो का दोस्त आया, और अभी मूवी को चालू हुए सिर्फ 10 मिनट हुए थे कि उतने में ही आ गई हीरो की फीमेल बेस्ट फ्रेंड। उसकी एंट्री होते ही मैंने अपने हेडफोन्स को निकाल दिया और मूवी बंद कर दी। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों किया मैंने, और इसका रीजन था वॉइस। एक्चुअली मैं वॉइस नहीं, उसका रीजन था ऑडियो। क्योंकि जब मैं वॉइस बोलता हूँ तब एक इंसान टारगेट होता है, और जब मैं ऑडियो बोलता हूँ तब एक एडिटर को टारगेट कर रहा हूँ, यानी कि हम जैसे लोग। सो इस वीडियो में एक ऑडियो एडिट करने का छोटा सा ट्यूटोरियल है, एंड मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ उसका। ये जो ऑडियो तुम सुन रहे हो ये है बिल्कुल रॉ, एंड ये जो ऑडियो है ये चल रही तुम्हारी एडिटिंग के बाद। तो हुआ क्या था, हीरोइन की एंट्री के बाद उसने सिर्फ एक शब्द कहा, और उसी समय मैंने अपने हेडफोन निकाल कर फेंक दिए, क्योंकि एडिटिंग में उसकी वॉइस इतनी श्रिल कर दी थी कि मेरे कान के एक साइड से निकल के दूसरे साइड से बाहर निकली। एक बॉलीवुड मूवी से मुझे यही एक्सपेक्टेड था, और ये सेम चीज हो सकती है तुम्हारे साथ। लोग तुम्हारी वीडियोस को भी तुरंत बंद कर देंगे अगर तुम ध्यान नहीं दोगे अपने ऑडियो पर। तो इस वीडियो में एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। सो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से कंसेप्ट को समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑडियो एडिटिंग में। तो ऑडियो एडिटिंग के दो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो कि है बेस एंड ट्रेबल। ये दोनों वर्ड तुमने बहुत बार सुने होंगे, बट आज इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि अब ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। अगर इन दोनों चीजों को तुम अच्छी तरह से समझ गए तो 40% ऑडियो तुम्हारी यहीं से एनहांस हो जाएगी। तो बेस एग्जैक्टली होता क्या है? बेस होता है तुम्हारी वॉइस की सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लाइक मैं अगर इस माइक के बहुत ही ज्यादा पास आकर बोलूं तो तुम्हें एक बहुत ही डीप और एक बेस वाली आवाज सुनाई देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक के पास जाने के बाद मेरी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि बेस कहते हैं, वो क्लियरली सुनाई देने लगता है। इसलिए अपनी इंटिमेसी माइक के साथ बिल्कुल मत दिखाओ, थोड़ा दूर रहो इससे। ट्रेबल होती है तुम्हारी वॉइस की अपर फ्रीक्वेंसी, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी। एंड पोस्ट प्रोडक्शन में अगर ट्रेबल को ज्यादा बढ़ा दोगे तो तुम्हारी वॉइस बहुत ही ज्यादा श्रिल हो जाएगी एंड कानों में चुभने लगेगी, और इसी रीजन से मैंने उस मूवी को बंद कर दिया था। सो एक परफेक्ट ऑडियो बनाने के लिए एक अच्छे माइक पर इन्वेस्ट करो। कभी भी ये चीज मत सोचना कि तुमने 1000 रुपए या 2000 रुपए देकर तुमने एक गलत माइक ले लिया हो, या फिर कोई एक एक्सपेंसिव माइक ले लिया हो। क्योंकि ऑडियो पे इन्वेस्ट करना अगर गलत भी किया है तो भी मैं उसे सही मानता हूँ, क्योंकि ऑडियो पे अगर तुम 1000, 1500 या 2000 रुपए करीब ज्यादा लगा दो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। इवन 150 वाला कॉलर माइक भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है बस अपनी इंटीमेसी को थोड़ा कंट्रोल करना और 1 फीट का डिस्टेंस इससे बनाकर रखना। सो नाउ बेस एंड ट्रेबल इज क्लियर, अब मूव करते हैं ट्यूटोरियल पर। तो मेरे पास ये ऑडियो है जिसे रिकॉर्ड की गई है एसी कंडेंसर माइक्रोफोन से, तो पहले इसको सुन लेते हैं। तो फॉर एडिटिंग माय ऑडियोस आई यूज अडोब ऑडिशन। तो मैंने यहाँ पर अपनी ऑडियो को इम्पोर्ट कर लिया, एक बार इसे सुन लेते हैं। हाय माय नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ सैंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो एक सैम्पल ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है, एंड अब इसे स्टार्ट करते हैं एडिट करना। तो फर्स्टली यहाँ लेफ्ट साइड में एक इफेक्ट्स पैनल तुम्हें दिख जाएगा, जहाँ पर जाकर तुम बहुत सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, बट तुम्हें डिसाइड कर लेना एक्चुअली में कि तुम्हें सबसे पहले चीज इसमें से हटानी क्या है। हाय माय नेम इज रामकृष्ण। तो इस ऑडियो में मुझे थोड़ा सा ट्रेबल ज्यादा सा लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा कम करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा इसे एनहांस करते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ से स्पेशल, एंड वहां से सिलेक्ट कर दूंगा मास्टरिंग, और यहाँ पर जाकर तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हें लगता है कि जरूरी है वो चीज डाल सकते हो। यहाँ बहुत सारे प्रीसेट्स भी देके रखे हैं। ये जो यहाँ पर तुम्हें एक ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ दिखाता है कि तुम्हारे ऑडियो के अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट्स, यानी कि लोज, मिड्स एंड हाइज की क्या वैल्यू है। तो इस पॉइंट को तुम जहाँ पर भी जिस भी तरीके से ले जाओगे, ये डिफाइन कर देगा कि तुम्हें बेसिकली उस तरीके से उस चीज को यूज करना है। लाइक अगर तुम इसे ऊपर कर दोगे राइट साइड से, तो ये दिखाएगा कि तुम्हारे जो हाइज है वो बढ़ जाएंगे। स्टार्टिंग में लगाओगे तो तुम्हारे लोज बढ़ जाएंगे, एंड बीच में लगाओगे तो तुम्हारे हाइज बढ़ जाएंगे। हाय माय नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ सैंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग। आई थिंक मुझे थोड़ा सा बेस वाला चाहिए था, इसलिए मैंने इसे अराउंड थोड़ा सा मिड से लेफ्ट में से उठा दिया है, एंड मुझे ये सही लग रहा है। अब इसमें ऐड करते हैं एक FFT फिल्टर। यहाँ से मैं हमेशा एक प्रीसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कहता हूँ मैं रैप वोकल्स, एंड उससे एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आता है। हाय माय नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ सैंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली इसने किया क्या है, ट्रेबल वाले पार्ट्स को थोड़ा सा ऊपर लेके चला गया, जिसकी वजह से बेस कम आने लगा है। तो बेस बढ़ाने के लिए ये वाली फ्रीक्वेंसी को तुम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। हाय माय नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ सैंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग। आई थिंक इट्स गुड, एंड मेरे माइक ने बहुत हेल्प करी है यहाँ पर, क्योंकि ये एक अच्छा माइक है, इसलिए इतनी एडिट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर तुम कोई दूसरा माइक यूज करो तो शायद तुम्हें और स्टेप्स में जाना पड़े। सो वो पूरा डिपेंड करता है तुम्हारे माइक पे। अब वैसे तो तुम बहुत सारी सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे, बट यूजुअली व्हाट आई डू इज आई क्रिएट अ प्रीसेट, एंड उस प्रीसेट को मैं अपना एक नाम दे देता हूँ। सो इन सबको डिलीट करो, एंड मैं अपना रामकृष्ण नाम का एक प्रीसेट बना देता हूँ, एंड दिस इज ऑल द थिंग्स आई यूज। सो अब सुनना एक बार ये साउंड करता है। हाय माय नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ सैंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग। आई थिंक मेरी वॉइस इसमें बहुत अच्छी आ रही है, बट ट्रेबल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसलिए मैं इसे अप्लाई करता हूँ, एंड अप्लाई करने के बाद यहाँ से एक और FFT फिल्टर डालता हूँ, एंड सेम रैप वोकल्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर बेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाय माय नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ
ज्यादा बेस हो गया सैंपल ऑडियो रिकॉर्ड एंड दिस इज अ सैम्पल, तो इसके जो हाईज हैं वो थोड़े से ज्यादा हाई हो गए, तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा कम कर देंगे। नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ सैम्पल, थोड़ा सा ज्यादा सैम्पल ऑडियो रिकॉर्ड, मिड्स को थोड़ा सा कम। नेम इज रामकृष्णा, बेस को थोड़ा सा कम एंड लोस को थोड़ा सा कम। नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ सैम्पल ऑडियो रिकॉर्डिंग, सो ये एक अच्छा साउंड करता है। हाय माय नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ सैम्पल ऑडियो रिकॉर्डिंग, बट स्टिल इसमें थोड़ी सी ऐसी करके कुछ ऑडियो आ रही है, सो उसे हटाते हैं। सो हमेशा याद रखना, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कुछ सेकंड के लिए पॉज ले लो, ताकि रूम की जो एम्बियंट नॉइज है या फैन चल रहा है या व्हाटएवर द थिंग इज, थोड़ी देर के लिए शांत रहो ताकि रूम की एम्बियंस नॉइज क्रिएट हो जाए। सो इस पार्ट में एक बिल्कुल परफेक्ट एम्बियंस नॉइज मिल रही है। सो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इससे सारी नॉइज को हटानी है। सो नॉइजी वाले पार्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ से इफेक्ट्स में जाकर नॉइस रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन में तुम्हें मिल जाएगा कैप्चर नॉइस प्रिंट। सो इस सिलेक्टेड नॉइस प्रिंट को कैप्चर करो एंड या फिर से नॉइस रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन में जाकर तुम नॉइस रिडक्शन प्रोसेस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ए दबा दो। अब यहाँ पर एक काम करना है, अब तुम सुनोगे तो सिर्फ नॉइज आएगी तुम्हें। अब तुम्हें ये देखना है कि इस ऑप्शन को टिक करने के बाद तुम्हें अपनी आवाज जो तुम बोल रहे हो वीडियो में वो बहुत ही कम सुनाई दे। जितनी कम सुनाई देगी उतनी ज्यादा नॉइज ऑडियो से हटी है। आई थिंक इसे थोड़ा सा और कम कर देते हैं हम 0.3 एंड नॉइज रिडक्शन बाय 42 आई गेस 43 इज इन। अब जैसे ही तुम्हें पता चल चुका है कि इसमें तुम्हारी ज्यादा ऑडियो नहीं आ रही है, तब इस आउटपुट नॉइज ओनली को अनचेक कर दो एंड अब सुनो तो तुम्हारी नॉइज पूरी हट चुकी होगी ऑडियो से। एंड दिस इज अ सैंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग, बहुत सिंपल चीज थी, इसे अप्लाई कर दो। आई गेस ये ऑडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तो अगर मैं तुम्हें ओरिजिनल सुनाऊं, सो दिस इज द ओरिजिनल। हाय माय नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ सैंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग, और ये है एडिटेड। हाय माय नेम इज रामकृष्णा एंड दिस इज अ सैंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग, बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि ऑडियो कितनी ज्यादा मैटर करती है एक वीडियो में। एक बार वीडियो एडिट करने में आलस दिखा दो, लेकिन ऑडियो एडिटिंग को इतना इजीली मत लो, वीडियो की जान होती है वो। तो चलो, आई होप अब तुम अपनी ऑडियोस को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे एंड उस पर भी ध्यान दोगे, और याद रखना वो इंटीमेसी वाली बात। बाकी अगर तुम 25,000 के बजट में, जो कि बहुत ही कम बजट है, 25,000 के बजट में एक 4K एडिटिंग पीसी को बिल्ड करना चाहते हो, तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अगर ऑडियो एडिटिंग के बाद वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, तो इस राइट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।